सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में, क्योंकि मंगल ग्रह जो है मकर राशि में परिवर्तन करने जा रहा है, जहाँ पर जाने के बाद मंगल उच्च का हो जाएगा। और ये जो राशि परिवर्तन है मंगल ग्रह का 5 फरवरी को रात को 9:42 पर हो रहा है मकर राशि में। इससे पहले क्योंकि धनु राशि में मंगल गोचर कर रहा था, जो कि गुरु बृहस्पति की राशि है, तो मंगल ग्रह जब मकर राशि में आएगा और उच्च का हो जाएगा तो कैसा परिणाम रहेगा मकर राशि वालों के लिए, क्योंकि मकर राशि शनि महाराज की राशि है, तो मंगल का इसमें क्या प्रभाव रहेगा आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि मंगल जब 5 फरवरी को यहाँ प्रवेश करेगा तो 15 मार्च तक यहीं पर रहेगा, लगभग 1.5 महीने का ये गोचर मंगल का होगा। मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल ग्रह, मकर में उच्च का और कर्क राशि में नीच का होता है। मंगल ग्रह से जो है साहस पराक्रम भूमि भाई शक्ति शौर्य युद्ध आदि का विचार होता है। मंगल लाल वर्ण का है, यानी लाल रंग इसका, अग्नि और क्रोध का भी कारक है, क्योंकि काफ़ी गुस्से वाला ग्रह से कहा गया है, और इससे रक्त का विचार होता है, यानी खून का शरीर में। तो ग्रहों में से सेनापति का पद प्राप्त है, क्योंकि यदि मंगल आपकी कुंडली में मजबूत है, उच्च का है, अच्छा है, मित्र ग्रह के साथ हैं, तो आपकी जो है पराक्रम साहस आपके अंदर अधिक होता है और भूमि भवन आपके पास होते हैं। जमीन से जुड़े हुए जो भी मामले होते हैं, प्रॉपर्टी के जितने भी काम होते हैं, वो मंगल ग्रह उस पर अधिकार रखता है, यानी कि जैसे आप खरीद बेचने का काम करते हैं, प्लाट भूमि भवन आदि का, इस तरह का, तो इसका कारक है मंगल है। मंगल आपकी कुंडली में यदि मजबूत है, स्ट्रॉन्ग अवस्था में है, तो आप प्रॉपर्टी डीलर का भी काम कर सकते हैं। और मंगल ग्रह वाले जाते हैं जो ज़्यादातर हैं आर्मी पुलिस में देखे गए हैं, दांतों के डॉक्टर बनते हुए देखे गए हैं, तो क्योंकि इसका जो झुकाव है ज़्यादातर खेल का है, खेल के खिलाड़ी भी देखे गए, जैसे फुटबॉल क्रिकेट, तो खेल पे अपना अधिकार रखता है मंगल, खेल हो गया, मिलिट्री पुलिस, तो ये सब जो है मंगल ग्रह के अधिकार में आते हैं, क्योंकि जितने भी गुस्से वाले काम हैं सब मंगल अपने अधिकार में रखता है। तो जब मजबूत होता है, और यदि कमज़ोर है तो आपको इन सब काम में परेशानी उठानी पड़ेगी, और साथ ही आपके खून में भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कई बार रक्त में परेशानी हो सकती है, खून की मतलब कोई समस्या हो सकती है ब्लड से जुड़ी हुई, तो ब्लड में आपकी जो परेशानी हो सकती है, क्योंकि ब्लड का कारक ग्रह कहा गया है मंगल को, लाल रंग है इनका। तो आज हम बात कर रहे हैं मकर राशि में कैसा रहेगा, क्या परिणाम देगा। देखिए मकर राशि में जब जाएगा मंगल तो केंद्र में रहेगा और उच्च का हो जाएगा, तो केंद्र में उच्च का होने से जो मंगल रोचक योग का निर्माण करेगा, तो मंगल रोचक योग जो है पंच महापुरुष योग में आता है, जो कि बहुत ही अच्छा योग है, जिसके कारण आपकी तरक्की जरूर होगी। क्योंकि इस समय मंगल के साथ साथ यहाँ सूर्य बुध पहले से भी बैठे हैं, तो सूर्य अपने मित्र मंगल के साथ रहेगा और उच्च का रहेगा, तो ये इस समय कोई काम आपका बन सकता है, कहीं सरकारी नौकरी का कोई रिजल्ट आने वाला है तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। और ख़ासकर देखा जाए तो यदि किसी रिजल्ट का आप इंतजार कर रहे हैं, जैसे कोई सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम आपने दिया है, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि ये 1.5 महीने मकर राशि वालों के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद इसी कारण आपका आत्मविश्वास तो मजबूत रहेगा ही, साथ ही काम काज में आने वाली दिक्कतें दूर होगी, सरकारी कार्य की बाधाएं जो हैं आपकी वो भी दूर होगी, क्योंकि मकर राशि का स्वामी जो शनि है वो भी अब कुंभ में चल रहा है, तो ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि मकर राशि का स्वामी शनि अपनी राशि में है, मंगल उच्च का है और महापुरुष योग बना रहा है, तो इस समय ये समय आपके लिए बड़ा अनुकूल रहेगा, अगला 1.5 महीना जो मकर राशि वाले जातक हैं 5 फरवरी से और 15 मार्च के बीच का। इसके बाद जो है मंगल की 3 दृष्टि भी होती है, जहाँ वो देखता है, तो अपनी 4थी दृष्टि से वो बृहस्पति को भी देख रहा है, तो बृहस्पति को देख रहा है तो वो अपनी राशि में ही देख रहा है, तो ये सबसे बड़ा अच्छा बात है कि अपनी राशि को जो देख रहा है बृहस्पति है, तो इस समय भूमि भवन वाहन से जुड़े हुए जो है आपके सुख आपको मिलेंगे, कोई काम रुका है तो वो आपका काम बनेगा, इस समय माता का सहयोग जो है आपको प्राप्त होगा, क्योंकि बृहस्पति का वहाँ होना और मंगल ग्रह दोनों ही मित्र ग्रह हैं, इस समय कोई प्लाट आप खरीद सकते हैं, और यदि कोई पहले से ही आपके पास ज़मीन है उस पर कोई भवन निर्माण का कार्य शुरू कर सकते हैं, वाहन आदि का सुख भी आपको इस समय मिलेगा, कोई नया वाहन खरीद सकते हैं, और माँ से भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा।
इस समय धन लाभ आपको अधिक मात्रा में होगा, आपके काम में आने वाली हर परेशानी जो है दूर होगी, और मंगल की जो है सातवीं दृष्टि नीच की है जो आपके जीवन साथी वाले स्थान पर रही है। हालांकि जीवन साथी को कुछ परेशानी हो सकती है, उनके साथ कुछ वाद विवाद आपका हो सकता है, जैसे दाम्पत्य जीवन में कोई कठिनाई कड़वाहट हो सकती है, हो सकता है जीवन साथी को थोड़ा बहुत बीमारी का सामना करना पड़े, तो इस तरह की समस्या रह सकती है। और पार्टनर से भी कुछ अनबन आपकी होगी जरूर, जो आपका व्यवसाय है बिजनेस है, अगर आपके साथ पार्टनरशिप जो कर रहा है तो उनके साथ कुछ दिक्कतें दिखा रहा है मंगल, क्योंकि नीच की दृष्टि डाल रहा है, और जहाँ नीच की दृष्टि पड़ रही है उसका स्वामी भी नीच का है चंद्रमा इस समय, तो थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना आपको पार्टनर के साथ करना पड़ सकता है व्यापार में। शनि महाराज इस समय कुंभ राशि में है मकर राशि वालों के लिए, तो ये तो बहुत अच्छा है कि शनि आपके जो है धन लाभ कराएगा, परिवार में कोई कार्यक्रम हो सकता है मांगलिक, और थोड़ी बहुत इस समय आपका वाणी कठोर रहेगी, यानी कि वाणी में आपका जो दोष रहेगा, परिवार में किसी के साथ उलझने की कोशिश ना करें, वाद विवाद हो सकता है। राहु इस समय आपका मीन राशि में है, राहु का मीन राशि में होना आपके लिए अच्छा रहेगा, इस समय भाग दौड़ काफ़ी हो सकती है काम को लेकर। दूसरा जो है ये राहु आपको अधिक से अधिक काम करवाने की ओर अग्रसर करेगा, जिससे आप काफ़ी मेहनत करेंगे और कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। केतु इस समय आपके जो है कन्या राशि भाग्य स्थान में चल रहा है, केतु का कन्या राशि में होना आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि केतु यहाँ पर है, एक तो आपकी भाग्य उन्नति तो होगी, आप धर्म के कार्य में मन लगाएंगे, दूसरा जो है कोई विदेश यात्रा का अवसर आपको मिल सकता है, चाहे वो धर्म से जुड़ी यात्रा हो, चाहे वो शिक्षा से हो, या फिर वो व्यापार को लेकर हो, तो बाहरी क्षेत्र की यात्रा जो है इस समय मकर राशि वालों को करनी पड़ सकती है। मंगल अपनी जो है आठवीं दृष्टि से सिंह राशि को देख रहा है, तो इस समय चोट दुर्घटना के भी जो है चांस बन रहे हैं, तो वाहन आदि चलाते समय थोड़ा सा धैर्य रखें, गाड़ी जो है सावधानी से चलाएं, क्योंकि कोई घटना आपके साथ घट सकती है, तो इसी वजह से, क्योंकि वाहन अगर आप चला रहे हैं तो थोड़ा धीमा चलाएं, मंगल की दृष्टि थोड़ी बहुत दिक्कत कर सकती है। और साथ ही बृहस्पति जो है आपके कैरियर स्थान को देख रहा है, बृहस्पति का कैरियर स्थान को देखना आपके कैरियर में जो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस समय व्यापार हो चाहे नौकरी हो उसमें जो है आपको सफलता भी मिलेगी, काम आपका अच्छा होगा, कहीं जॉब बदलना चाहते हो तो ये समय उसके लिए अनुकूल है मकर राशि वालों के लिए। पिता का भी सपोर्ट जो है आपको मिलेगा। तो ये था मंगल का मकर राशि में परिवर्तन जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी उससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।